जय श्री राम। ध्यान दें, सभी ग्रामवासी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भवन पिपरिया कला में दिनांक 28, 29 और 30 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को राजस्व विभाग के द्वारा महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें किसानों के हित में थोपी नामांतर, बंटवारा, नक्शा करने, किसान कार्ड से संबंधित जो भी काम है वो तत्काल किए जाएंगे। ध्यान दें, जिन किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनवाना है या आधार लिंक कराना है या जिनके नक्शा तरमीम नहीं हुए, वे किसान भाई ग्राम पंचायत भवन में आकर अपने कागजात के साथ हल्का पटवारे से मिलने, उनके काम तत्काल किए जाएंगे। जिन किसान भाइयों को आपसी बंटवारा कराना है या पौती दर्ज कराना है या नक्शा कटाना है, वे किसान भाई ग्राम पंचायत भवन में आकर हल्का पटवारे से मिलने, दिनांक 28, 29, 30 नवंबर और दिसंबर में 2 और 3 तारीख को महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और शासकीय योजनाओं का लाभ ले। सभी ग्रामवासी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि जिन किसान भाइयों को नक्शा तरमीम का काम हो या भौतिक नामांतरण का काम हो, वो ग्राम पंचायत भवन में आकर हल्का पटवारे से मिल लें और अपने फार्मर आईडी बनवा लें। फार्मर आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका और मोबाइल नंबर लेके आना है और भौतिक नामांतरण के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरे की नकल और मोबाइल नंबर लेके आना है। ध्यान दें, सभी ग्रामवासी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि 5 दिन लगातार शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भवन में महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है। 5 दिन लगातार राजस्व विभाग के द्वारा महाशिविर का आयोजन ग्राम पंचायत भवन पिपरिया कला में होने जा रहा है, जिसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और शासकीय योजनाओं का लाभ ले। ध्यान दीजिए गौर से और बात कीजिए किसी और से। सभी ग्रामवासी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28, 29 और 30 नवंबर को और 2 और 3 दिसंबर को ग्राम पंचायत भवन पिपरिया कला में लगातार 5 दिन तक महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जिन किसान भाइयों को जिस किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वो बेहचक ग्राम पंचायत भवन में आकर हल्का पटवारे से मिलने, वहां आपके किसानों के समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा और आपके हित में शिविर का आयोजन रखा गया है। अधिक से अधिक संख्या में आए और शासकीय योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद। जय श्री राम।